फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चिंतित दिखाई दे रहा था, जिस पर पुलिस विभाग की टीम ने जगह जगह पर जाकर जनता इस फैसले का सम्मान करते हुए बारह वफात व गुरु पूर्णिमा त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की थी, जिस पर जनता ने पुलिस को पूरा सहयोग देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। इसके बाद बांदा के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने सभी थानों को निर्देशित किया था कि थानों में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाए। इस कड़ी में आज बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कस्बे के नगर पंचायत अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। उपस्थित लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि फैसले के पूर्व ही पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के साथ साथ व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखी, तभी सब संभव हुआ। बबेरू कोतवाली के SI संजीव कुमार यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से अयोध्या मामले में सभी ने शांति और गंभीरता का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ और सम्मान योग्य है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस प्रकार का ये फैसला, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर मस्जिद का फैसला आया और उस फैसले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, साथ ही त्यौहार पड़ गए बारह वफात कार्तिक पूर्णिमा, तो जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में शांति बनी रही उसके लिए जिले के हमारे जो व्यक्ति महोदय हैं साहा साहब, उन्होंने हर थाने में आम जनमानस को बुलावा करके उनका धन्यवाद अदा करने के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसके लिए हम लोगों को भी बुलाया गया। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों से जो जनता और पुलिस के बीच में एक दूरी बनती थी, जो दूरी का भाव रहता था, आम जनमानस पुलिस से कटता था, वो एक भाव पैदा हुआ और पुलिस और जनता के बीच में ये जो ये खाई कहिए बनी रहती थी वो पट रही है, और मैं इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे हमारा ये आपस का विश्वास कायम। पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले व बारह त्यौहार व हार्दिक पूर्णिमा का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ की जनता ने निपटाया, उसमें सहयोग किया पुलिसकर्मियों का, इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक धन्यवाद कार्यक्रम रखा, सभी जनता को धन्यवाद दिया गया व उनसे अपील की गई किसी प्रकार का दोबारा त्यौहार होता है या मुस्लिम त्यौहार होता है हिंदू त्यौहार होता है उस पर इसी प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखे, ये सब से अपील की गई व सभी जनता को धन्यवाद दिया गया।